एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रस्ट सिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम। एंड गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक विला जो है आपका 4BHK। इस विला के बारे में एंड इसकी लोकेशन के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगी गाइस, इट्स ब्यूटीफुल। हैव सम क्लिप्स। आज का जो हमारा विला है, इट्स 4BHK डुप्लेक्स विला जिसका साइज रहने वाला है 3641 स्क्वायर फीट। टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो 22 यूनिट्स रहने वाले हैं, जिसमें से कुछ में फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक विला देख सकते हैं, इसमें फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी है, रहना शुरू कर चुकी है, एंड और भी बहुत सारी फैमिलीज आ गई हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट में विला के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट का नाम है रिवरडेल एरोविस्टा। 70 एकर्स का टाउनशिप रहेगा जिसमें आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिल जाएंगे, विलाज मिल जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइसेस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। बट आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैं आपको विला का टूर करवाऊंगी। एंड अगर आपको इसके प्लॉट्स देखने हैं, फ्लोर्स देखने हैं, तो उसकी वीडियोज भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बट आज हम पर्टिकुलरली विला की बात करने वाले हैं, तो आइए आपको आउटर एलिवेशन दिखाती हूँ मैं विला का एक बार अच्छे से। सो गाइस, कुछ इस तरीके का एलिवेशन आपका रहने वाला है। ये आपका मेन डोर रहेगा पीछे। यहाँ पे स्पेस देखेंगे आप तो पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, दो गाड़ियाँ इजीली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। बाहर ही आपका काफ़ी अच्छा ग्रीन स्पेस भी दिया गया है जहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। एंड जो आपका फ्रंट का जो रोड रहने वाला है गाइज, ये भी आप देख सकते हैं कि कितना वाइड रोड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्रोजेक्ट के अंदर के सारे रोड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, ट्रैफिक का कोई इशू आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो आइए अब चलते हैं, लेके चलती हूँ आपको विला के अंदर। आइए। सो कुछ इस तरीके की एंट्री आपकी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स आ जाएंगे आपकी एंट्री के लिए, जिनको आप बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं, प्लांटिंग वगैरह यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देन ये आ जाएगा आपका मेन डोर, काफ़ी बड़ा डोर है एंड इसका जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इन केस आपको फर्नीचर वगैरह इंस्टॉल करना है अपने घर पे वो आप इजीली कर पाएंगे। साथ ही आप ये विंडो देख सकते हैं जो आपके ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड रहेगा, जहाँ से आपका सनलाइट, आपका वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। आइए चलते हैं आप विला के अंदर। तो कुछ इस तरीके का लुक रहने वाला है आपकी एंट्री से आपके विला का। यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग स्पेस जो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आपका 10-12 सीटर सोफा इजीली एकोमोडेट हो सकता है, इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो कुछ चेक्स में आपको डिज़ाइन मिल जाएगा फॉल सीलिंग में भी, जो काफ़ी यूनिक लगा मुझे। फ्लोरिंग की बात करूंगी तो कुछ ब्राउन शेड में आपकी टाइलिंग रहेगी, एंड जो टाइलिंग का साइज है गाइज वो भी काफ़ी बड़ा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है, क्योंकि इतनी बड़ी टाइल्स जो है वो आपके जो फ्लोरिंग होती है उसको काफ़ी फिनिश्ड लुक दे देती है। देन जो ग्राउंड फ्लोर है आपका, उस पर आपके दो रूम्स रहने वाले हैं, एक आपका किचन आ जाएगा, बाकी ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर आपके दो बेडरूम्स आ जाएंगे। अब हम डाइनिंग की भी बात कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, अपना डाइनिंग टेबल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारा स्पेस है आपके पास, जहाँ पे जो सेट करना चाहें आप इजिली कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा किचन देख लेते हैं।
सो गाइस कुछ इस तरीके का आपका किचन आ जाएगा। पैरेलल में आपके दो स्लैब्स रहेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ जाएगा आपके रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। जितना मर्जी बड़ा फ्रिज आप लगाना चाहें इजीली लगा सकते हैं। ऊपर कैबिनेट्स भी हैं। यहाँ पे आपके अप्लाइंसेस का स्पेस आ जाएगा। एंड यहाँ पे रहेगा आपका डुअल सिंक विद दिस मूविंग फॉसेट। ऊपर कैबिनेट्स आ जाएंगे, यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके ऊपर रख सकते हैं, नीचे भी स्पेस है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा आपका कुकिंग काउंटर। तो चिमनी आपको विद द परचेज मिलने वाली है। कैबिनेट्स आप यहाँ पे डिफरेंट तरीके के देख सकते हैं, ग्लास डोर के साथ आ जाएंगे, कुछ इस तरीके का साइज रहेगा। ये ओपन आ जाएंगे आपके, जिनमें आपका लाइटिंग भी है। एंड यहाँ पे भी लाइटिंग काफी अच्छा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विद कैबिनेट्स। देन यहाँ पे भी आपका सेम आ जाएगा कैबिनेट, ओपन एंड ये ग्लास डोर के साथ। लो कैबिनेट्स की बात करेंगे तो ये आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाएंगे। एंड ये भी आपको डिफरेंट साइज में मिल रहे हैं, जैसे कुछ आपके बड़े आ जाएंगे, कुछ आपके छोटे रहने वाले हैं। मतलब जितना भी आपका किचन का स्टफ होता है, आपके यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, सारे यहाँ पे इजिली एडजस्ट हो जाएंगे। एंड इसी के साथ आपका बैकयार्ड भी कनेक्टेड आ जाता है, तो आइए वो भी दिखा देती हूँ आपको। सो कुछ इस तरीके का आपका बैकयार्ड रहने वाला है, जहाँ पे आप अपना वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी कर सकते हो, जो आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहने वाला है, जो आपके किचन के साथ वाला बेडरूम रहेगा। यहाँ पे अगर टाइलिंग की बात करूंगी तो टाइलिंग आपका सारा एंटिसकेट है, इनकेस पानी वगैरह गिरे तो फिसलने वगैरह का डर ना हो। एंड ये पोर्शन जो आ जाएगा आपका पूरा ओपन रहेगा, तो फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा सोर्स रहने वाला है। सो गाइज ये था हमारा किचन, मैंने आपको ड्राइंग डाइनिंग भी दिखा दिया, किचन भी दिखा दिया। अब रूम्स की तरफ चलेंगे। एक बेडरूम आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक बेडरूम आपका वहाँ पे आ जाएगा। एंड ये स्टेयर्स रहेंगी आपकी अपर स्टोरी के लिए। पहले मैं आपको ये रूम दिखा देती हूँ, आइए। सो काफ़ी अच्छा साइज मिलने वाला है आपको रूम के अंदर। एसी के लिए प्रोविज़न मिल जाएगा। फॉल सीलिंग आपका यहाँ पे भी एज इट इज़ रहने वाला है, जैसा आप देख रहे हैं जो कलर है वो भी। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका बालकनी के लिए एक्सेस, जो आपका बैकयार्ड है। ये जो आपका ग्लास आ जाएगा, टफन ग्लास यूज़ किया गया है, जो साउंड प्रूफ होता है आपका, फायर रेजिस्टेंट होता है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सेपरेट आपका कबर्ड एरिया एंड आपका वॉशरूम, जहाँ पे आपके जो कबर्ड्स रहेंगे वो आपके रहेंगे कुछ इस तरीके के, विद ग्लास डोर एंड ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम इसमें आपका सारा आ जाएगा। लेआउट की बात करूंगी तो वो भी काफ़ी अच्छा है, इजीली अपना स्टफ आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। देन सेकंड यहाँ पे भी सेम कबर्ड रहेगा, यहाँ पे आपको नीचे छोटे छोटे कैबिनेट्स भी मिल जाएंगे, ताकि आप अपना जितना भी स्टफ होता है उसको इजीली अरेंज कर पाएं। आप देखेंगे बीच में काफ़ी अच्छे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो अपना ज्वेलरी वगैरह आप यहाँ पे अच्छे से सेट कर सकते हैं। देन नीचे भी आपके कैबिनेट्स आ जाएंगे, ऊपर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम। सो वॉशरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है। एंड फ्लोरिंग की बात करूँगी, सारी एंटीस्किट आ जाएगी, कलर डिज़ाइन भी आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक है। जितना भी आपका सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे आ जाएगा, सारा आपका प्रीमियम फिटिंग्स रहने वाली है। जैसे आपका यहाँ पे ये शार आ जाएगा, आपके टैप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा। फॉर द गीजर आपको प्रोविजन मिल जाएगा, यहाँ पे रहेगी आपकी सीट। स्टार्टिंग में आपका बेसिन विद वैनिटी रहने वाला है। एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन ये आपका विंडो आ जाएगा, एग्जॉस्ट वगैरह के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर स्पेस बना हुआ है, आप लगा सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में, जो आपका इस साइड रहने वाला है। सो ये जो रूम रहेगा, इसकी विंडो के साथ आपका जो ग्रीन स्पेस है वो कनेक्टेड रहेगा। आप चाहेंगे तो इस बाहर वाले पोर्शन को कवर करके अपने लिए एक मिनी गार्डन, बैठने के लिए ग्रीन स्पेस बना सकते हैं, क्योंकि यहां से आप इस स्पेस में एंटर कर सकते हैं इस डोर के थ्रू, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको ये मिल रही है। इसमें भी सेम आपका टफन ग्लास यूज़ किया गया है। एसी के लिए भी आपको प्रोविज़न मिल जाएगा। एंड फ्लोरिंग आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेम टाइलिंग पूरे घर में रहने वाला है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा कबर्ड एरिया अगेन, लाइटिंग एज इट इज ऑटोमेटिक लाइटिंग मिलने वाली है। लेआउट काफ़ी अच्छा देख सकते हैं आप इसमें, सेम इस साइड भी रहेगा। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम अगेन, जिसमें अगेन आपकी जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्रीमियम फिटिंग्स की गई हैं,
टैप्स वगैरह, शावर वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड रहेगा, सीट आ जाएगा आपका, बेसिन विद वैनिटी रहेगा, एंड टाइलिंग की बात करूंगी तो मैट फिनिश के साथ आपका टाइलिंग आ जाएगा, जो वॉल्स का टाइलिंग है, कलर काफ़ी अच्छा है, फ्लोरिंग की आपकी सारी एंटीस्किट रहेगी। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, इसी के साथ हमारा जो ग्राउंड स्पेस है वो कम्प्लीट होता है। अब हम चलेंगे ऊपर एंड बाकी के रूम्स आपको दिखाती हूँ। गाइज, ये जो आपके स्टेयर्स आ जाएंगे ना, इस पे आपका सारा मार्बल का वर्क आ जाएगा एंड जो रेलिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई है। सो गाइज, अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको एंटर करते ही पहले बाहर ये ओपन स्पेस मिल जाएगा काफ़ी अच्छा, जहाँ पे अगेन आप अपना सिटिंग के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, एलईडी वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो अपने बच्चों के लिए गेमिंग जोन यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा, काफ़ी ह्यूज स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। दो रूम्स आ जाएंगे, एक इस साइड रहेगा, एक इस साइड रहेगा। पहले ये वाला चेक करते हैं। सो देखिए, कुछ इस तरीके का साइज रहेगा। गाइज, ये जो आपके फर्स्ट फ्लोर के रूम्स हैं ना, ये आपके ग्राउंड फ्लोर के रूम से थोड़े से बड़े आ जाएंगे साइज में, एंड इनका जो वॉशरूम एंड कबर्ड एरिया वो भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का स्पेस आ जाएगा आपका। बेड इंस्टॉल करने के बाद आपको एक काउच या फिर सोफा सेट रखने के लिए भी स्पेस बच जाएगा, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं स्पेस का। ऊपर फॉल सीलिंग आपका काफ़ी अच्छा किया गया है, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ आ जाएगी आपकी बालकनी, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है, सामने आपके हरे हरे सरसों के खेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए बाहर चलते हैं। सो काफ़ी ह्यूज बालकनी है आपकी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, सिटिंग के लिए स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं बालकनी में, इतना स्पेस आपको मिल रहा है। सामने का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने बताया सरसों के खेत हैं सामने। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ जो आपका रेलिंग का हाइट है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइज, जो आपका फ्रंट एलिवेशन है ना, उसमें ये फ्रेम भी ऐड किया गया है। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब मैंने आपको एलिवेशन दिखाया था, तो यहाँ पे ये फ्रेम आ जाएगा। सो ये था हमारा बालकनी। अब इसी के साथ इस साइड आ जाएगा हमारा कवर्ड एरिया, जिसमें स्टार्टिंग में पहले यहाँ पे आ जाएंगे हमारे सारे कबर्ड्स। सामने आ जाएगा स्पेस, यहाँ पे कैबिनेट दिया गया है, तो आप यहाँ पे बड़ा सा मिरर लगा सकते हैं, अपना ड्रेसिंग एरिया इसको बना सकते हैं। कैबिनेट्स काफ़ी अच्छे हैं, ओपन भी हैं, आपके सारे क्लोज भी आ जाएंगे। अगेन इनमें भी आपका जो लाइटिंग है वो ऑटोमेटिक रहने वाला है, लेआउट काफ़ी अच्छा है। एंड देन गाइज, अब दिखाती हूँ इसका वॉशरूम। सो गाइज, मतलब लुक एट द साइज ऑफ दिस वॉशरूम, बहुत बड़ा वॉशरूम आपको मिल रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पे बेसिन आ जाएगा, जिसका स्लैब भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा मिल रहा है। नीचे वैनिटी सेक्शन भी आपको काफ़ी बड़ा मिल रहा है, इसमें अंदर भी स्पेस है, बाहर पे भी आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं। इस साइड आ जाएगा आपका पूरा बाथिंग पैनल, जो आप देख सकते हैं आपका शावर एंड ऑल। इस साइड रहेगी आपकी सीट, जो आप यहाँ पे देखिए सीट रहेगा, ये पूरा आपका सेक्शन रहने वाला है। एंड वॉल की जो टाइलिंग है एंड जो फ्लोर की टाइलिंग है वो भी काफ़ी यूनिक लगी है मुझे, कलर जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि बहुत कम जगह पे आपको ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन, यहाँ पे आपका काफ़ी बड़ा विंडो आ जाएगा, जहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए भी स्पेस है, गीजर के लिए आपको प्रोविजन मिल जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा थर्ड बेडरूम। अब इसी के ठीक सामने रहेगा हमारा नेक्स्ट बेडरूम, विच इज़ योर फोर्थ बेडरूम। तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस, काफ़ी अच्छा साइज रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपके जो फर्स्ट फ्लोर के रूम्स हैं वो काफ़ी बड़े मिलने वाले हैं नीचे वाले रूम्स के मुकाबले। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, एसी के लिए प्रोविजन मिल जाएगा। फॉल सीलिंग आपका एज इट इज़ रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बालकनी इसके साथ भी अटैच रहेगा आपका, टफन ग्लासेस यूज किए गए हैं जो डोर्स हैं आपके। तो आइए चलते हैं, बालकनी भी आपको दिखा देती हूँ। सो कुछ इस तरीके की बालकनी रहेगी। सो यहाँ पे भी सिटिंग के लिए अगर आप अपने स्पेसेस क्रिएट करना चाहते हैं बिल्कुल हट के, जैसे एक कोने जैसे में, तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे आपके लिए, एंड नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। रेलिंग की बात करूँगी तो वो भी आपको काफ़ी स्ट्रांग मिल रही है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़। एंड आफ्टर दैट अब हम चलेंगे हमारे वॉशरूम एरिया में। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ जाएगा स्पेस, आप मिरर लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा कैबिनेट आ जाएंगे, जहाँ पे आप अपना मेकअप वगैरह स्टोर कर सकते हैं। देन इस साइड रहेंगे आपके काफ़ी सारे कबर्ड्स,
विद ग्लास डोर। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लास्ट तक आ जाएंगे आपके, एंड ये जो आपका ग्लास है ये आपका मिरर ग्लास यूज किया गया है यहाँ पे, तो काफी अच्छी चीज है। अगर आप वहां मिरर नहीं भी लगाएंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा, खुद को पूरा चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका वॉशरूम, जिसकी टाइलिंग मुझे ऐसा लगा फर्स्टली कि यहाँ पे शायद वॉशरूम में कारपेट बिछा हुआ है, क्योंकि इसका टाइलिंग का डिजाइन ही कुछ इस तरीके का है, बट ये कारपेट नहीं है, इट्स टाइल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही यूनिक टाइलिंग यहाँ पे इन्होंने यूज कर रखी है, काफी अच्छा डिजाइन लगा मुझे। वॉल पे आपका सारा क्रीम कलर का मैट फिनिश के साथ टाइलिंग रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिन, इसका भी स्लैब काफी बड़ा है, सेंटर में आपका बेसिन एंड आपका टैप रहेगा। नीचे आपका स्टोरेज के लिए स्पेस आ जाएगा, ओपन भी है क्लोज भी आ जाएगा, काफी सारा स्पेस रहेगा। तो वॉशरूम का जितना भी आपका सारा स्टफ होता है आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इस साइड आ जाएगा आपका सीट, यहाँ पे गीजर के लिए आपको प्रोविजन मिल जाएगा, एग्जॉस्ट के लिए आपको स्पेस प्रोवाइडेड है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी रहने वाला है। सो ये था हमारा वॉशरूम। तो गाइस इसी के साथ हमारे आज के इस विला का, जो कि है हमारा 4 BHK डुप्लेक्स विला, उसका टूर कंप्लीट होता है। सारा विला मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा है ड्राइंग डाइनिंग, 2 बेडरूम्स रहेंगे, एक आपका किचन आ जाएगा, एंड आपका फर्स्ट फ्लोर पे बाहर हॉल रहेगा एंड 2 बेडरूम्स आ जाएंगे आपके। रूफ टॉप पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको ये विला कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपका विजिट प्लान कर देगी। एंड अगर आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें क्वेरी कर सकते हैं। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।